और वैराग्य किसे कहते हैं? संसार में जो कुछ भी है जड़ चेतन, इसमें न राग हो न द्वेष हो, दोनों न हो, ये वैराग्य है। और फिर समाधि सत संपत्ति, सम माने मन पर कंट्रोल, दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल, श्रद्धा माने गुरु और वेद के वाक्य पर अटल विश्वास, समाधान, उपरति, तितिक्षा, सहनशीलता, ये छह है समाधि। इनको चार में कह दिया और विवेक वैराग्य को नहीं रखा। शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु। इसमें पहला ले लो, शांत माने क्या होता है? मन पर कंट्रोल। अगर जगत गुरु शंकराचार्य होते तो उनसे हम नम्रता पूर्वक पूछते कि मन पर कंट्रोल कैसे होगा, तब आपके यहां हमने दाखिला मिलेगा। ये अपना तुम जानो कैसे होगा। रे 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 भाई, ऐसा नहीं चलेगा। जब आप जगत गुरु हैं तो आपको ये भी बताना होगा कि ये सम कहां से आएगा। क्यों? इसलिए कि सम के लिए तो वेद बड़े जोरों से कह रहे हैं कि क्षण मायाति पातालम, क्षणम जाति नभस्थलम। एक क्षण में मन पाताल पहुंच जाता है, बड़ा चंचल है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। चंचलत्वम मनोधर्मो बनने धर्मो यथोष्णता, 498 महोपनिषद वेद कह रहा है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, ऐसे मन का धर्म है खड़े न होना। तो आप इसके धर्म को कैसे मिटा देंगे? धर्म को नहीं मिट सकता। अग्नि का धर्म कोई मिटा सकता है जलाना? तो मन का धर्म है, नेचर है, चलता रहे, चलता रहेगा। अपि बन्यसनाद ब्रह्मन विषमचित्त निग्रह। अग्नि को खा ले कोई आदमी, यह भी पॉसिबल हो जाए, मान लेते हैं, लेकिन मन पर कंट्रोल कर रहे, ये असंभव है। ये वेद कह रहे हैं। अरे हमारे यहां ऋषभ भगवान का अवतार हुआ था भारत में, उनके सामने सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा वगैरह सिद्धियां होती हैं। आप यहां बैठे हैं और अगले सेकंड में इंग्लैंड पहुंच जाए शरीर के सहित, आप किसी के अंदर घुस जाए, वो क्या सोच रहा है नोट कर ले। तमाम बातें इम्पॉसिबल जो है ऐसे, वो सब सिद्धियों से होती हैं। इतने भारी हो जाए कि कोई उठा न सके हजारों आदमी, और इतने हल्के हो जाए कि फूंक दो तो उड़ जाए। तो ये सिद्धियां जब आई तो
पूछा ऋषभ ने, आप लोग कैसे आई, कहाँ से आई, क्यों आई? कहा महाराज आप महा 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 पुरुष है तो हम आपकी सेवा के लिए आए। हंसे, हंस कर कहते हैं मैं ही मिला हूं तुमको, भाग जाए यहां से। न कुरुजात करचित सख्यम मनसी है न बस्ते, भागवत 5-6-3। किसी बुद्धिमान आदमी को मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सब लोग नोट कर लो। योगियों को भी, जिस योग का शब्दार्थ है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ऐसा बकवास है। चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि के बाप को भी नहीं था मन पर निरोध। अरे भगवान कह रहे हैं न कुरुजात कदचित सख्यम मनसि हन वस्तिते योगिना कृतमैत्रस्य पत्र जाए वपुंस चली। बड़े बड़े योगियों को जो नया स्वर्ग बना दिए विश्वामित्र, उनको भी भ्रष्ट कर दिया, उनके मन को भी अप्सरा में आसक्त कर दिया। ऐसा मन है दुष्ट और पावरफुल। पांच छह चार, भगवान ने तमाम अपनी बड़ी बड़ी शक्तियां गिनाई है गीता में भी भागवत में भी, उस मन को सबसे बड़ा पावरफुल बताया है। दुर्जया नाम हम मन 11-16-11 भागवत, सबसे बड़े बलवानों में टॉप करता है मन। जितने बलवान और हुए हैं सब भीमसेन हो चाहे वो भीष्म पितामह हो, एक कुछ नहीं है। देखो अर्जुन, जिसके लिए भगवान ने कहा वीराणाम हम अर्जुन, सब वीरों में मैं अर्जुन हूं, यानी अर्जुन टॉप करता है। वो अर्जुन कह रहा है भगवान से कि महाराज आप बार बार कहते हैं मन पे कंट्रोल करो, मन पे कंट्रोल करो, चंचलम भी मना कृष्ण प्रमाथ बलव दृढ़म। इतना चंचल है महाराज, भायो श्री वसु दुष्करम, इस पर कंट्रोल कैसे करें? जो बड़े बड़े योगींद्र नहीं कर सके, विश्वामित्र पराशर बड़े बड़े, तो साधारण मनुष्यों से शंकराचार्य आशा करते हैं मन बस कर लो फिर आ जाओ, फिर काय को आए तुम्हारे पास। जब मन ही हमारे बस में हो जाए फिर क्या जरूरत है। जो उर्वशी पर विजय प्राप्त कर दे, जिसे विश्वामित्र वगैरह नहीं कर सके, वो अर्जुन, वो कह रहा है चंचलम भी मना कृष्ण 6-34 गीता। और भगवान ने एडमिट किया असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मान लिया मैंने बहुत चंचल है मन, बहुत पावरफुल है अर्जुन, तू गलत नहीं कह रहा है, माना कि तू ब्यूरो में टॉप करता है। तो मन पर निग्रह करना
ये किसी के बस का नहीं है। जो माया पर कंट्रोल कर ले वो मन को बस में कर सकता है। जजमेंट, जो माया को जीत ले और माया को कोई नहीं जीत सकता। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। जो केवल मेरी ही शरण में आएंगे वे ही माया को पार कर सकते हैं मेरी कृपा से। और जब माया जाएगी तो सब भागेंगे बिस्तर बांध बांध के। ओ मन हो चाहे मन का बाप हो, अरे ये माया का पुत्र ही तो है मन सबसे बलवान। इसके साथ बड़े बड़े सेनापति हैं, काम क्रोध लोभ मोह एक से एक बलवान, और सब अंदर बैठे हैं घात लगाए। इस समय आप लोगों को कोई देखे तो कहे ये सब लोग काम क्रोध लोभ मोह माया से परे हैं। हाँ लगता तो है ऐसे ही, लेकिन अगर कोई अपने बगल वाले को जरा सा यूं कर दे आ गया वो अंदर बैठा था, एक शब्द बोल दे, इडियट बेवकूफ, बस हो गई लड़ाई शुरू। इतना बलवान है ये शत्रु, अरे शब्द ही तो बोला है वो, तुमको मारा तो नहीं, अरे हमको इडियट कहा, अरे कहा तो तुम हो तो नहीं गए, और अगर हो गए तो फीलिंग किया इसलिए ना, तो फिर इडियट हो। अगर किसी के एक शब्द से और तुम वैसे ही बन भी गए प्रैक्टिकल, तो तुमसे बड़ा इडियट कौन है। अगर न बनते तुम सुन के हंसते रहते तो फिर वही इडियट होता बोलने वाला, और तुम बच जाते, तुम तो तुरंत उससे अधिक चले गए आगे। तो मन को वश में करना, ये बिना भगवत कृपा के, और भगवत कृपा के लिए ये कर्म और ज्ञान काम नहीं देगा। इसके लिए शरणागति, उसी को भक्ति कहते हैं। जो भक्ति के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त करेगा उसका आजाद, मामला समाप्त, झगड़ा खत्म, बिना परिश्रम के। और नहीं तो रिद्धि मिले सिद्धि मिले, आत्मज्ञान हो जाए समाधि हो जाए। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि ज्ञानियों को अंत में क्या मिलता है। वहां भी मन पर कंट्रोल नहीं हो सकता, और अगर होता है तो थोड़ी देर को, टेम्परेरी तो डॉक्टर लोग मन पर कंट्रोल करा देते हैं, आपको इंजेक्शन लगाया जरा सा आप समाधि में चले गए। अब कोई गाली दे, कोई आपको कुछ भी कहे, झापड़ लगावे, कोई असर नहीं होगा आपके ऊपर। अरे इतना काट कूट करता है डॉक्टर,
आप आराम से लेटे रहते हैं, तो टेम्परेरी रिलीफ जो होता है समाधि में, और जब समाधि से बाहर आया हो, हमला किया माया ने, आओ गया मन, बड़े बड़े स्वयं शंकराचार्य ने कह दिया, ज्ञानम क्षरति। मनु जी ने कहा, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धाः, शंकराचार्य कह रहे हैं ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुंच कर भी ज्ञानी का पतन हो जाता है। अरे शंकराचार्य की क्या हैसियत है, शंकराचार्य के गुरु, गोविंदाचार्य के गुरु, गौड़पादाचार्य के गुरु, सुखदेवाचार्य के गुरु, वेदव्यास के गुरु के गुरु के गुरु ब्रह्मा, वो कह रहे हैं ये नेहरविंदाक्ष विमुक्तमानिनस वैयस्तभावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृत युष्मदंग्रया। श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि महाराज, ये ज्ञानी लोग जो अष्टांग योग करते हैं, चार मैंने आपको बता दिए ना, अब इसके बाद में होता है श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर समाधि, ये पांच हैं अंतरंग और चार हैं बहिरंग, तो आठ करके जो चोटी पर पहुंचता है उसका भी पतन हो जाता है अगर श्री कृष्ण भक्ति नहीं किया तो। पतन माने क्या, मन संसार में गया, यही तो पतन है। तो मन पर कंट्रोल कहां हुआ उन ज्ञानियों की सिद्धावस्था में भी, और शंकराचार्य कहते हैं पहले शांत हो करके फिर मेरे पास आओ। इसका रहस्य क्या है आगे बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो जा पर काम करो रनवारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो जा पर काम करो रनवारो। मोर मुकुट पीतांबर धारो चल अलमस्त चाल मत वारो। मोर मुकुट पीतांबर धारो चल अलमस्त चाल मत वारो। चल अलमस्त चाल मत वारो। कहाँ प्यारो इक टक लखत समाधि बिसारो। समाधि
समाधि विसारो शंभु समाधि विसारो अति रस भरे नैन रत्नारो जेहि लखि शंभु समाधि विसारो जेहि लखि शंभु समाधि विसारो जेहि लखि शंभु ललित त्रिभंग भेष नट धारो मुरली मधुर बजावन वारो ललित त्रिभंग